अस्सलामुअलैकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, बच्चे भी सब ठीक ठाक हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं जो बे औलाद हैं, अल्लाह पाक उसे नेक औलाद दे, जो बीमार हैं उसको अल्लाह पाक शिफा दे। तो अभी जो है सुबह सुबह का टाइम है, तो पहले जो है मैंने लगाया है झाड़ू, सहन की जो अच्छी तरह से सफाई कर ली है। तो अभी जो है चाय बनानी है, तो दिखाती हूँ आपको। मुखलिस साहब रात जो लेट नाइट आए थे, मेरा भाई भी उसके साथ था, और दवाई वगैरह लेके आए हैं, कुछ टेस्ट हुए हैं, तो रिपोर्टें वगैरह भी साथ हैं, वो भी आपको दिखाऊंगी। तो उसकी हालत भी आपको दिखाऊंगी। अभी नींद में है, उठा नहीं है, जब उठेगा तो आपको दिखाऊंगी। हाँ मैरान जी, कैसी है आपकी तबीयत? पता नहीं है, आज चेक करना। चेक कर, हाथ दिखाना। ठंडा तो लगता है, लेकिन जो है नाड़ी वो बहुत तेज चल रही है। दिल की जो धड़कन होती है ना, नब्ज की धड़कन, वो तो ज़्यादा है। तो अभी जो है ना नाश्ता कर लें, मैं चाय बनाती हूँ, नाश्ता करके ना फिर थर्मामीटर लगाएंगे, आपकी तबीयत चेक करेंगे, बुखार है कि नहीं है, तो फिर देखेंगे जैसा बनेगा निज़ाम, जैसा बनेगा। जब बेहतर होगी तबीयत तो आप स्कूल चले जाना, जब तबीयत बेहतर नहीं है, आपको बुखार चढ़ा हुआ है, तो फिर ज़ैनब चली जाएगी। कल भी आपकी टीचर से बोला है ज़ैनब ने कि मेहरान को बुखार है, तो इसलिए वो नहीं आ पाए, तो आज भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर बैठी है ज़ैनब। ज़ैनब क्या कर रही हो? मेरी तरफ देखो, खेल रही हो, मस्जिद पढ़ के आ गई। चलो ठीक है, तो अभी जो है मैं यहाँ पर देखें चूल्हा जो है वो, ये है मेरा कमरा, ये देखें ये फ्रिज भी पड़ी है, और लाइट भी अभी चल रही है। तो यहाँ पर मैं अपने कमरे के अंदर ले आई चूल्हा, और बर्तन वगैरह भी धो के इकट्ठे कर लिए, तो चाय बनाती हूँ, और आपको बाहर का जो मंज़र है वो भी दिखाती हूँ। हल्की हल्की सी बरसात भी हो रही है जी। तो अभी जो है मैं आपको मौसम दिखा रही हूँ, ये देखें काले काले बादल बने हुए हैं, काले काले बादल बने हुए हैं, और हवा जो है वो भी नहीं चल रही। अभी सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 6 का टाइम है, तो हल्की हल्की सी बरसात भी हो रही है, कभी रुक जाती है तो कभी आ जाती है। कौवा भी आ गया है खाना खाने के लिए, कि बच्चों से मैं छीनूं। ये देखें ये मौसम है, चारों तरफ जो है ना बादल ही बादल छाए हुए हैं। यहाँ पर जो हैदर अली और नूर मोहम्मद छुपे हुए हैं जाली में। हैदर अली क्या कर रहे हो, क्यों रो रहा है बख्तावर? ये नूर मोहम्मद ने रुला दिया। नूर मोहम्मद ने? आप क्या खा रहे हो? मैं दूध और चाय। चलो मक्खी उड़ा ले बेटा, आज स्कूल जाना है? हाँ जी, कल भी जाना है। कल तो छुट्टी है ना, इतवार है। टीचर ने कहा कल आना, फिर कल छुट्टियां हो जाएंगी। चलो ठीक है, तैयारी कर लो। ये देखे मम्मी अब चाय बना रही है। हाँ अभी जो है सामान वगैरह इकट्ठा कर लिया है जी। तो बर्तन भी धो लिए हैं, और साथ में दूध भी आ चुका है, चीनी और पत्ती का ये पड़ा है डब्बा, चीनी का और पत्ती पापे सब कुछ जो है इकट्ठा कर लिया है जी। अभी जो है चूल्हा जला के तो फिर चाय बनाएंगे। ठीक है, मैं अपने चाय बना ली। बस बेटा चाय अभी जो है बनने वाली है, दिखाओ। देखिए चाय जो है अभी बनने वाली है। तो आप लोगों ने ना बीबी का जो अब्बू बीमार है उसके लिए दुआ करनी है। हाँ बेटा आप भी बोलो ना। मेला
बापू बीमार है, उसके लिए दुआ करनी, उसके लिए दुआ करनी है, ठीक है। तो अभी चाय बन जाए तो आपको चाय दूंगी और पापे भी दूंगी, आप खाएं, ठीक है। अम्मी चाय रेडी हो गई? जी बेटा, चाय जो है रेडी हो चुकी है, आप आ जाएं और चाय और पापा खा लें जी, स्कूल की जो है लेट ना हो जाए। और यहाँ पे मेरी बड़ी बहन आटा गूंद रही है पानी के साथ। तो जी अम्मी आप रोटी बना रही है? हाँ, अभी जो है मैं रोटी बना रही हूँ। तो आज जो है जैनब की फरमाइश है, रोटी जो है मैं स्कूल लेके जाऊंगी, तो इसलिए मैं रोटी बना रही हूँ, बना लूँ। आपके लिए बनानी है? हाँ जी। चलो सबके लिए इकट्ठी बनाती हूँ, ठीक है। तो आपसे मैं एक दरख्वास्त कर रही हूँ, अपील कर रही हूँ, कल के भी लोग भी मैंने बोला है कि सबके अपने अपने काम होते हैं, हर किसी का अपने अपने घर के खर्चे भी होते हैं, कोई किसी की भी नहीं करता। आज कल का वक्त देखें, आज वक्त है किसी का कोई खर्चा उठाता है, किसी के कोई हेल्प करता है? नहीं करता। तो सब लोग जो है हमारे ऊपर तनकीद करते हैं, ऐसे ना? हाँ जी। जिसको बोला है, जिस तरह से भी बात की है, दवाई की है, खर्चे की है, और अपनी दीवार दिलवाने की है, कोई आपके चाचू माने? नहीं माने। तो फिर बहन भाई हमें क्यों कहते हैं कि उसके भाई वो उसके साथ नहीं है, उसका इलाज नहीं करते? ये गलत बात है ना? हाँ जी। तो ये जो है ना, पहले बंदा सोच ले, ये जो हाथ है ना, हाथ सिर्फ अपने सर तक जाता है इस तरह से, ये किसी और के सर पर नहीं जाता। आजकल के हालात जो हैं बहुत 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 जो है ठीक नहीं बने हुए, ठीक है ना? तो हर किसी का अपना मसला होता है। तो मैं जो कर रही हूँ, मैं ये बच्चों की रोजी है ना कर रही हूँ, मुझे पता है। मैं जो है आपके अब्बू की तबीयत इतनी ख़राब है, उसका इलाज भी करवाना है ना? हाँ जी। तो ये जो है हमारा ये चैनल का काम, यूट्यूब पे आना, ये भी अपनी मेहनत है, ये तो करनी है ना? तो बहन भाई बोलते हैं अपने घर की, इसके घर की इस तरह की परेशानी बनी हुई है, तो इसके सब काम भी हो रहे हैं और ये व्लॉग भी बना रही है। तो बताओ मैं क्या करूं? व्लॉग ना बनाऊं, बच्चों के लिए रोजी ना करूं, तो फिर वहाँ कहाँ से लेके आऊंगी और बच्चों को खिलाऊंगी? ये तो एक नौकरी है, इसके ऊपर तो काम करना पड़ता है, जैसा भी करना, जैसा भी हो वैसा इसको चलाना है। जिस तरह की भी परेशानी हो ना, तो इस पे ना काम करना पड़ता है। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं भी मेहनत करती। आज ये इस चैनल को मैं एक साइड पे डाल दूं, इस पे वीडियो ना डालूं, मुझे बहुत परेशानी है, मैं रो रही हूँ, चीखे मार रही हूँ, तो कुछ दिन तक तो ये चैनल जो है ये ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मैं अपने बच्चों के कहाँ से ले आऊँगी, किससे मांगूंगी? जो अब साथ नहीं दे रहा है वो कब साथ देंगे? तो इसलिए चैनल पे भी काम कर रही हूँ, और जैसे जैसे हमारी हालत बनी हुई है, जो कंडीशन भी है, मुखलिस साहब की है, हमारी है, हमारे बच्चों की है, हमारे घर की है, वो सब जो है अपने मैं वीडियो में डालती हूँ। जो न्यू हैं, न्यू जो आते हैं उसको कुछ पता नहीं होता, वीडियो मुकम्मल देखा करें, पहले जाके जो पिछली वीडियो होती हैं उसका विज़िट करें, उसको पहले अच्छी तरह से देखें। सिपेक जो कर कर के देखते हैं उसे कुछ पता नहीं चलता जो हकीकत क्या है। तो ये जो है आपको मैं हकीकत बता रही हूँ। तो खाना भी बनाना पड़ता है, कपड़े भी धोने पड़ते हैं, बच्चों की भी हिफाजत करनी पड़ती है। आज मुखलिस की ये हालत बनी है और मैं उसके साथ, मैं भी गिर जाऊं, मैं भी बैठ जाऊं, मैं भी बच्चों के बारे ना सोचूं, तो बच्चे दिल पे लेके वो क्या उस पे गुजरेगी? उसको अच्छे कपड़े भी पहनाने हैं, उसको अच्छा खाना भी खिलाना है, काम भी करना है, वो बात तो दिल में है ना,
जो होती हैं वो दिल में रखते हैं, बच्चों के सामने कुछ भी नहीं कहते। अरे पैर कर रहे थे मैं, ठीक है इसको एक लेकर चले कर अच्छे कमेंट कर दिए इसके बिल्कुल निकलना। तो हम जा रहे हैं स्कूल, तो मैंने वर्दी भी नहीं पहनी, अम्मी लेके आएगी तो फिर वर्दी पहन के जाऊंगा। अभी मैं कपड़े में जा रहा हूँ, अबू की तबीयत भी सही नहीं है और जब वो सही हो जाएगा फिर अम्मी जाएगी, वर्दी ले आएगी और गाइड बोतल पानी की वो भी लेके जाएंगे। अभी ये यहाँ पर जो है मुखलिस साहब सो रहे हैं, ये अभी नींद में, ये दिखाऊं आपको, ये कमरे के अंदर सोए पड़े हैं। तो ये जब आए थे रात, लेट नाइट आए थे, तो बाहर जो है बरसात हो रही थी, हल्की हल्की थी बरसात थी। तो मैंने सोचा अपने भाई को बताया है, सोचा नहीं है बल्कि बताया है अपने भाई को कि अंदर ना इसको सुला देते हैं। तो डॉक्टर ने कुछ दवाई वगैरह ऐसी खिलाई थी जो इसको नींद आ जाए तो फिर इसका जो है ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त हो सकता है। दवाई वगैरह भी मैं कोई पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, ना मुझे दवाई का पता है, और रिपोर्ट जो है वो भी रखी है। तो भाई मेरे चले गए थे अपने घर, उसके बच्चे भी परेशान थे, तो वो मुझसे बोला है कि मैं जा रहा हूँ अपने घर, अपने बच्चों को भी तसल्ली दूंगा कि अभी बेहतर है तबीयत, मज़ीद जो है आगे वो भी चेकअप करवाने पड़ेंगे। यहाँ पर अपने खानपुर में जो है ना बड़ी अच्छी अच्छी हॉस्पिटल हैं जो अच्छा अच्छा इलाज भी हो सकता है, जैसे आप लोग ना अफोर्ड कर सकते हैं वैसे वैसे अस्पताल यहाँ पर होती हैं। तो अभी जो है दवाई लेकर आए हैं, आप लोगों ने दुआ करनी है मुखलिस के लिए कि उसकी तबीयत जो है जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए, हमारी जो है परेशानी भी ख़त्म हो जाए। इनके सिवा तो हमारा कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, हम तो बहुत परेशान होते हैं, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, उसकी परेशानी भी होती है, और घर का सरबराह जो इस तरह से हो जाए तो बाकी ज़िंदगी जो है अधूरी रह जाती है। तो आप लोगों ने ना मुखलिस के लिए दुआ करनी है, आपकी दुआ की ज़रूरत है। और अभी जो है टाइम है 6 बज रहे हैं सुबह के, तो भाई आएगा, उससे मज़ीद जो है हाल हवाल वो भी पूछेंगे। तो डॉक्टर साहब ने क्या बताया है, क्या बोला है, कैसी कंडीशन है इसकी, अभी नींद में आई है, देखिए अभी सो रहे हैं, जब नींद से जागेंगे तो फिर देखेंगे, अल्लाह पाक खैर करेगा। और ये साथ में जो है बीबी और मेहरान, मेहरान को भी कल का बुखार चढ़ा हुआ था, इसकी भी दवाई वगैरह ली है, तो कल भी ये स्कूल नहीं गए। तो अभी पूछते हैं मेहरान से जी। तो अभी ये फाइल वगैरह और दवाई मैं लेकर आ चुकी हूँ, तो भाई जो थे रात लेट नाइट पहुँचे तो फिर वो अपने घर चले गए, दवाई वगैरह मुझे ना समझाई है ना ऊपर कोई निशान वगैरह लगा हुआ है, तो कैसे दवाई खिलाएं। अभी जो कॉल करती हूँ तो फिर भाई से पूछती हूँ उसकी तबीयत की भी पता करते हैं, जो क्या उस डॉक्टर ने बताया है, क्या कंडीशन है, कैसे दवाई खिलानी है, क्या मसला है, वो भी नहीं बताया उन्होंने। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हो? ठीक अल्लाह का करम है। आप कहाँ हैं? मैं ठीक। मैं दुकान पर। दुकान पर हो? रात जब आए तो आए घर में तो आप लोग ना जल्दी में चले गए, तो मुझे दवाई भी नहीं आपने बताई ये कैसे खिलानी है, और जो है ऊपर उसके निशान वगैरह भी नहीं लगे हुए।
भाई जो है ये बस खिलाते रहे हैं सुबह शाम। अच्छा। और डॉक्टर कह रहा था दिमाग का मसला है, ये सुकून की गोलियाँ है, दिमागी तौर पे है ना मसला। अच्छा। इसको खूब रेस्ट करवाए, सोने दे, इसको दवाई दे के सुला दिया, बस सोया रहे जितना सो सकता है। सुकून मिलेगा तो कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? नहीं नहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है, डॉक्टर कह रहे थे ये जो है ये दवाई डाल के। चलो ठीक है, अभी मैं दवाई जो है अपने अंदाजे से जो है खिला देती हूँ, नहीं तो आप टाइम निकाल कर आ जाएं और मुझे दवाई भी बताएं और साथ में निशान भी लगा दें, मैं पड़ी हुई तो नहीं हूँ, मैं कैसे खिलाऊँ इसको। चलो अभी कितने दिन की दवाई है और मजीद भी इलाज करवाना है? हाँ ये दवाई खिला के फिर चेकअप करवाना है 15 दिन। चलो ठीक है, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं जल्द से आके। अभी जो है भाई आ रहे हैं तो मैं अपनी तरफ से कोई भी दवाई इसको नहीं खिलाऊंगी क्योंकि पहले से भी ज़्यादा परेशानी बनी हुई है, मज़ीद कुछ दवाई उलट पुलट ना हो जाए। तो अभी जो है हम इंतज़ार करते हैं भाई का, जब वो आएंगे तो फिर दवाई खिलाएंगे।